टोटल 16,000 फीस थी तो मुझे 15,000 पे करनी पड़ी। घर के बाहर देख लो BMW, मर्सिडीज, टेस्ला, ये देख लो भाई, छोटी मोटी गाड़ी तो है नहीं, भाई मिनी कूपर। दिन के बंदे 8,000 रुपए भी कमा रहे हैं, यानी कि महीने के 2.5 लाख रुपए, और ये सब है कॉलेज के साथ साथ। देखो इस घर में भी रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, तो वही स्किप्स बाहर दे रखा है ताकि सारा कचरा जो है अपना मलबा वलवा वो इसी में डालो। जब आप यहाँ पे कमाने लग जाओगे तब आपके लिए 50,000 भी सस्ता ही है, कोई महंगा नहीं पड़ेगा। अपना कुछ सामान निकाल लो ना घर से भाई, घर के बाहर रख दो, बस कोई ना कोई उठा के ले जाएगा जिसको जरूरत होगी। मतलब इंडिया में अगर बेरोजगार हो तो यहाँ पर आके पढ़ाई कम्प्लीट करके मंथली 2.5 से 3 लाख रुपए, 3.5-4 लाख रुपए भी कमा सकते हो। अगर आप टैबिंग वगैरह यहाँ पे भी होती है, आपने लोगों ने भी है ना न्यूज वगैरह देखी होगी, जो पेंटर होते हैं, प्लम्बिंग वाले, कारपेंटर है, मंथली 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। अरे ज्यादा ज्यादा एक। हेलो जी, हेलो, एक और नया दिन भाई अपना लंदन में, दीदी के घर से निकले अभी अभी। जिन्होंने पिछला व्लॉग नहीं देखा, पहले हेलो बोल दो दीदी सबको, नाम बता दो। घर में गुड़िया बोलते हैं, वैसे ऑफिशियल नाम जो है वो चंचल है। अब दीदी जो है ना भाई, वो लंदन में पिछले 3-4 साल से रह रही है, और ये पंजाब से यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आई थी। उसके बाद इन्होंने जॉब करी, अब अच्छा खासा अर्न कर रही है, घर है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज ना दीदी से सारी बातचीत करेंगे कि अगर कोई इंडिया से बंदा यहाँ पे आके सेटल होना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है, क्योंकि 1 साल का कोर्स था आपका भी? नहीं, मेरा 18 महीने का। 18 महीने का, तो 18 महीने सिर्फ पढ़ाई करके आप यहाँ पे सेटल हो सकते हो UK में, स्पेशली लंदन में। तो चलते चलते बातचीत करते हैं सारी। अरे भाई, निकलने से पहले भूल गया कि रेडी तो हो गया हूँ, बट अपना फेवरेट परफ्यूम तो लगाया ही नहीं, जो कि क्या है भाई, ये गुलमर्ग मिस्ट ओदे परफ्यूम बाय वाउस केनसाइंस। इसमें ना भाई हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्रेग्रेंस है एक इंटेंस एक्सपीरियंस के लिए, जो कि क्या इसको भाई लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एंड ये वेरिएंट ना मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि भाई ये मुझे ना ऐसे गुलमर्ग की याद दिलवाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये परफ्यूम ना यूनिसेक्स है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, लाइक जिसको नेचर इन्फ्यूज अरोमा पसंद हो। और उससे भी अच्छी बात भाई, इसकी फ्रेग्रेंस ना 12 घंटे तक रहती है, मतलब अभी लगा के निकल रहा हूँ तो रात तक मस्त टेंशन ही नहीं भाई। इसके अलावा भाई, वाउ स्किन साइंस के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इसमें भी कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, जैसे कि नो पैराबिन, फॉर्मल्डिहाइड एंड टोलुइन। तो इस प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड मेरा कूपन कोड भाई जरूर यूज कर लेना, जो कि है अनमोल जायसवाल 20। ये कूपन कोड यूज करने पे आपको इनकी वेबसाइट जो कि है buywow.in, वहां पे 20% ऑफ मिल जाएगा। तो भैया देर किस चीज की, जल्दी जल्दी खरीदो एंड बी वाउ नेचुरली। एंड ये देखो भाई लोग, जो मैकबुक ऑर्डर किया था ये भी फाइनली डिलीवर हो गया आज घर पे, बट इसकी अनबॉक्सिंग अभी थोड़ी देर बात करेंगे, पहले बाहर चल के वीडियो कंप्लीट करी जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, नाम तो बता दिया, कहाँ से हो आप इंडिया में वो बता दो। फिरोजपुर पंजाब से हूँ मैं। ठीक है, और इंडिया में क्या किया हुआ आपने पढ़ाई में? मैंने प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन BCA की थी, और उसके बाद मैंने BEd की। मतलब ये वहीं से की, पंजाब से ही? हाँ, पंजाब से, मेरे घर के पास ही देव समाज कॉलेज, काफी फेमस है। गवर्नमेंट कॉलेज था? नहीं नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट था। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे आने का आपने कब डिसाइड किया, कैसे प्लान बना कि बाहर जाना है, और कौन कौन से देश कंसिडर कर रहे थे आप? मैं बेसिकली, वैसे सबसे पहले पंजाब के लोग हैं जो वो सोचते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में कनाडा का ही आता है, तो कनाडा का सोचा था, लेकिन मेरा स्टडी गैप काफ़ी हो गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से मेरा फिर कनाडा का हो नहीं पा रहा था। मैंने, मतलब कौन से साल में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी? मैंने 14 में कर ली थी मेरी स्टडी। होगी तो उसके बाद मैंने जॉब की, तो 4 साल मेरी जॉब चली है। तो उसके बाद मैंने सोचा 2018 में मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे, तो उसके बाद फिर मेरी जॉब छूट गई, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मास्टर्स ही करते हैं, मेरी मास्टर्स इंडिया में हुई नहीं थी। तो फिर मैंने 2-3 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं हो रहा था, कनाडा का भी, फिर फाइनल मैंने कहा यूके का। उस टाइम वीज़ाज अच्छे चल रहे थे और काफ़ी नाम भी चल रहा था, मतलब सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा था यूके का। हाँ, वीज़ा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यूके के लिए करते हैं। ये जो हमारा एरिया ना, नाम क्या है इसका एरिया का? वेलिंग। ये लंदन से लगभग ना 14-15 माइल, यानी कि 25-30 किलोमीटर दूर है। हाँ, ना हाँ। तो यहाँ पे क्या है, आपको घर देखने को मिलेंगे विक्टोरिया स्टाइल है सारे घर। हाँ, सारे विक्टोरिया स्टाइल है, इसको तुम हटा नहीं सकते बिल्कुल, अंदर से भी ऐसे नहीं डेमोन्स्ट्रेट कुछ भी नहीं कर सकते वो। हाँ, मतलब जो है इंटीरियर कर सकते हो चेंज, एक्सटीरियर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, ये स्टाइल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब तुम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते बिल्कुल। एक्चुअल में जो लंदन का एरिया है ना, वो 5 पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल लंदन। तो ये कौन से पार्ट में पड़ता है? साउथ ईस्ट
ईस्ट में है, मेरा वाला साउथ ईस्ट है। ठीक है, यहाँ से मतलब आपको क्या है ना, अगर सेंट्रल लंदन जाना है ना, क्योंकि सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस वहीं पे है, तो चाहे आप नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे वेस्ट में हो, चाहे अपना ईस्ट में हो, आपको बराबर ही पड़ेगा रास्ता जो है। क्यों, सही है ना? और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा महंगा है, जो मैं आपको, अच्छा है बट महंगा तो है, महंगा तो है, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा कि हाउ एक्सपेंसिव इज लंदन फॉर स्टूडेंट्स, टूरिस्ट या फिर यहाँ के लोगों के लिए जो इंडिया से या पाकिस्तान ऐसे देशों से आए हुए हैं। हाँ जी, तो 2014 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, 2018 में प्लान बना आने का। हाँ। अब 2019 में आपने एप्लीकेशन शुरू करी यहाँ की। हाँ। तो क्या प्रोसेस था, कोई एजेंट करा या खुद से करा? तो सबसे पहले हाँ, मैं कंसल्टेंट के पास ही गई थी, क्योंकि मुझे था कि फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं चाहती नहीं थी कि कुछ भी रिजेक्शन लगे या कुछ भी, क्योंकि ऐसे अपने आप करने में वो थोड़ा होता ही है ना यार, कि तुम सोचते हो अगर कुछ गलत हो गया फाइल में, क्योंकि उनका डेली का काम है ना, वो पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन करते हैं एवरी डे, है ना। तो फिर मैंने अपने कंसल्टेंट के पास गई, मैंने फिर उससे पूछा, मैंने कहा अगर कनाडा का हो सकता है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी कनाडा थी। तो क्योंकि ऑब्वियसली यार वहाँ पे पीआर जल्दी मिलती है, और सबका रहता ही है कि है ना कनाडा, और कनाडा की पीआर लेके तुम किसी भी कंट्री जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो फिर क्योंकि मेरा गैप ज़्यादा था, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, फिर फाइनली मैंने यूके का किया। तो उसके लिए सबसे पहले उसने मुझे बोला कि अपना आइल्स किया आपने या पीटी, कुछ भी है दोनों में से, क्योंकि यूके में आइल्स और पीटी दोनों ही चलती है, एक यूके वीआईए रहता है, आइल्स रहती नॉर्मल, और एक पीटी, तो तुम पीटी कर सकते हो, है ना। तो मेरा पीटी हो गया था, मैंने पीटी किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे थोड़ी जल्दी थी, और मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो थोड़ा इजी है। कितना खर्चा आया आपको और कितने टाइम लगे? पीटी की बेसिक फ़ीस जो एग्ज़ाम की फ़ीस, वो 13,000 है, और मेरा जो कोर्स का आया था, क्योंकि वो मेरे नॉन में थे जिस सर ने मुझे करवाया था 1 मंथ, तो करीब करीब मेरा 8,000 उसका आया था। मतलब 21,000 में आपने फर्स्ट टाइम में क्लियर कर दिया। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया था। क्या स्कोर आया था? मेरा 2 में 7.7 आए थे, 2 में 6.5, तो ओवरऑल मेरा 6.5 आ गया। और चाहिए कितना होता है मिनिमम? तो मुझे यहाँ के लिए, अगर तुम मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो 6 चाहिए एटलीस्ट, 6 है ना। 6.5 था। हाँ ठीक। तो अगर बैचलर वाला कोई आ रहा, जैसे किसी ने बैचलर करनी, तो उसके लिए 5.5 भी चलेगा। आइल्स में 5.5 चलेगा अगर तुम यूके वीआई कर रहे हो, इसमें 3 कैटेगरी आती है ना। तो पर मेरा ठीक था, मुझे फिर आइल्स के बाद, उसके बाद मैंने तुरंत ही अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी थी 2019 में। कब है ये? मेरा रिजल्ट आ गया था दिसंबर में 2019 के दिसंबर में। हाँ, या 18 के दिसंबर में? नहीं 2019 के दिसंबर में। अच्छा, फिर रिजल्ट आ गया, तो जो आपने एजेंट या कंसल्टेंट किया था उसके पास अपना रिजल्ट लेकर गए फिर आगे? हाँ, तो फिर मैंने उसको अपना रिजल्ट दिखाया, वो कहता हाँ स्कोर तो अच्छे आए हैं। तो फिर बस उसने मेरी डॉक्यूमेंटेशन सारी स्टार्ट कर दी थी, जो भी मेरे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स चाहिए थे, है ना, मेरा सीवी चाहिए था, जो मेरा गैप था वो सारा मैंने क्लियर किया, है ना। तो सारे सर्टिफिकेट, जहाँ जहाँ से मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, वो सारा मैंने अपना इकट्ठा किया स्कूल से। फिर एक एक इंस्टीट्यूट था, ओप्पो में काम करती थी मैं, उससे पहले ओप्पो से मैंने मंगवाया। तो ऐसे मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, और हाँ सीवी जो ज़रूरी है वो आपका होना चाहिए, है ना। और सबसे मेन बड़ी बात ये है कि यार, जब किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पे आना है, तो यार जब तक पूरी फ़ीस ना हो, तो तब तक सोचो ना, क्योंकि यहाँ पे आके फ़ीस निकालनी मुश्किल हो जाती स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 20 आवर्स ही अलाउड रहता है। और मैंने बहुत ही स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, जो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फीस निकलती नहीं है, उसके बाद इलीगल हो जाते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। के पास एजेंट ने कितना टाइम लिया था टोटल, और एजेंट की फीस कितनी थी, प्लस आप जो ये फीस बता रहे हो, यहाँ पे आपका कितना खर्चा हुआ? हाँ, तो मेरी कोर्स की टोटल फीस थी 15,000, मतलब 15,000 pounds, मतलब 1,500,000 थी। हाँ। तो एजेंट ने मुझसे पूरे फाइलिंग का लिया था 25,000, वो मैंने पार्टीशन में दिया था, एक तो जब मेरी लेटर आ गई थी, कैश लेटर आ गई थी तब दिया था, और दूसरा जब मेरी पूरी फाइलिंग हो गई थी, जब मेरा वीज़ा आ गया था, उसके बाद मैंने वो बोला उसको बाकी का 12,500 दिया था। कितने महीने लगे इन सब काम में ऑल टुगेदर? यार मेरा मई इनटेक था, मेरा 2020 का मई इनटेक था, पर आप सबको पता है ना, कोरोना आ गया था उसके बीच में, तो फिर वो क्या है, मेरे 2 महीने और डिले हो गए थे, तो फिर मई की जगह उन्होंने मेरा अगस्त कर दिया था। तो फिर मैंने अगस्त में मेरी क्लासेस इंडिया से स्टार्ट हो गई थी, और मैं यहाँ पे आई थी सितंबर में, 27 सितंबर 2020 को आई थी। तो मेरे 2-3 महीने मुश्किल से लगे, मैंने फटाफट से अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, ऑलरेडी रेडी थे ना, क्योंकि मुझे पता था ये सब चीज़ें चाहिए, तो कुछ खास नहीं था, सीवी था, मेरे एकेडमिक डॉक्यूमेंट थे। तो अभी 15,00,000 रुपये जो आप बता रहे हो, ये एक साल की फीस थी, 1.5 साल की, कितने महीने? ये मेरे 18 महीने की फीस थी। और करा क्या आपने कोर्स? मैंने MSc कंप्यूटिंग थी, मेरे एजेंट ने जो मुझे वो रैंडम ही ऐसे ही
मेरे स्टडी का जो रेलिवेंट कोर्स नहीं दिया था उसने, तो फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार मैंने तो बीसीए की है और कोर्स मुझे दे रहा वो बिजनेस में है ना, तो वो कुछ भी बनता नहीं था। और जब क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले आजकल क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं है ना, तो वो पूछते हैं कि यार आप पहले तो ये कर रहे थे, आप एकदम से ये कर रहे हो, मास्टर्स आप कर लोगे, मतलब ऑब्वियसली यार 3 साल आपने ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ा है और एकदम से आप क्या अपना कोर्स ही बिल्कुल ही फील्ड चेंज कर रहे हो, तो वो पूछेंगे ये आपको है ना, तो ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी एजेंट को हायर कर रहे हो उसको बोलो कि मेरा रेलिवेंट क्वेश्चन ही दे, आई मीन सॉरी रेलिवेंट कोर्स दे है ना। जैसे बीसीए की है तो एमएससी कंप्यूटिंग में देखो, अगर बीकॉम की है तो बिजनेस में ऑब्वियसली चलेगा, बीए की है तो कुछ आर्ट्स में या कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में करो है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या किया। 18 महीने के कोर्स के 15 लाख सिर्फ फीस है ये, रहना खाना अलग सब कुछ। वो सारा मेरा उस मेरे कॉलेज से स्पॉन्सरशिप भी मिली थी, तो 1000 पाउंड मेरी 1 लाख स्पॉन्सरशिप मिल गई थी मुझे। अच्छा। तब चल रहा था ये, तो टोटल 16000 फीस थी, तो मुझे 15000 पे करनी पड़ी। फंड्स भी शो करने पड़ते हैं ना कि अच्छा। यूनिवर्सिटी को या यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको शो करोगे ना। फंड का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, स्टूडेंट आ रहा है तो क्या है उसके पास बैकअप है ना, कि अगर यहाँ पे जॉब ना मिली तो आप वो फंड शो करते हो अपने अकाउंट में। तो मिनिमम रहता है 9 लाख से लेके 12 लाख तक, डिपेंड करता है आपका कोर्स कितना है। बन रहा है जैसे लोगों का तो जो भी घर का अंदर का मलबा जो भी होता है ना वो सारा यहाँ पे एक स्किप आती है, येलो वाली दिख रही है ना, इसको स्किप बोलते हैं। इसके अंदर ही आपने सारा रबिश, ऐसे नहीं कि तुमने ढेरियाँ लगा लगा के रखती, नहीं ऐसे नहीं तुम कर सकते। एक स्किप आती है, गवर्नमेंट से आपको हायर करनी पड़ती है ना, और इसी में डालना है। वही छोड़ के जाते हैं, वही लेके जाएंगे। इसका आपको कुछ दिन का जितने दिन चाहिए उसके पर डे के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है ना। पर ये अच्छी चीज़ है, गंद नहीं डालता यार। देखो आपको दिख रहा है कहीं भी आसपास में, ये घर भी देखोगे ना आप लाइन से भाई साहब, बिल्कुल एक्सटीरियर सेम। ये देखो ये घर, वो घर, वो घर, जितने भी आगे तक घर है वो सारे के सारे डिट्टो आइडेंटिकल है, कुछ एक दो को छोड़ के। जैसे इसने अपनी छत अलग कलर करवा रखा है, बट वैसे जनरली सारे सेम से ही दिखे। कलर आप करवा सकते हो, इसका कोई चक्कर नहीं है। स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, स्ट्रक्चर नहीं, आपने बिल्कुल ये विक्टोरिया स्टाइल है, इसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब जैसे है लुक वाइज वैसे ही रखने हैं बस। और सबके बाहर ही ड्राइव थ्रू बने होते हैं, अपनी पार्किंग ये देखो कर लो, घर के बाहर देख लो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज टेस्ला ये देख लो भाई, छोटी मोटी मिनी कूपर तो भाई मिनी कूपर ये देखो, मतलब एक से एक गाड़ियां देखने को मिलती है। मिनी कूपर ले दूंगा। अच्छा ये तो चलो फीस की बात होगी, लेकिन जिस दिन आप यहाँ पे लैंड किए लंदन में उस टाइम तक आपका टोटल खर्चा कितना लग चुका था और किस किस चीज़ में? मेरा करीब टोटल लग गया था अराउंड 12 लाख के करीब लग गया था सारा। देखो 7.5 मैंने फीस भरी थी अपनी, उसके बाद मेरा इंटरनेशनल जो हेल्थ इंश्योरेंस रहता है यहाँ का वो था मेरा 18 महीने का, और एम्बेसी की फीस थी, तो 2 लाख तो यही हो गया मेरा। और उसके बाद फिर टिकट थी मेरी, टिकट आई थी उस टाइम पे मेरी 45,000 की टिकट आई थी। फिर मैंने शॉपिंग भी की, ऑब्वियसली आप यहाँ पे आते तो डर तो रहता ही है ना, सर्दियों के कपड़े ले लो, पता नहीं वहाँ पे जाके महंगे मिलेंगे सस्ते मिलेंगे। बर्तन लिए, कपड़े लिए, यहाँ पे कुछ मेरे नॉन में थे उनके लिए गिफ्ट्स लिए, तो 2 लाख के करीब मेरा उसमें भी लग ही गया था। तो करीब वही सारा मिला के मेरा 12 लाख को लग गया था टोटल है ना। और ये 12 लाख के अलावा भी 7.5 लाख फीस अभी भरनी भरनी थी, टोटल आप समझ लो 20 लाख रुपए तो लग चुका है आपका, लग जाएगा। एक बार रहना खाना वो कैसे ढूंढा वो बताएंगे, पहले खर्चा वर्चा तो चलो आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डस्टबिन ना 2-3 अलग अलग कलर के हैं। जैसे ये ग्रीन कलर है जिसमें वाइट ढक्कन है, जिसमें ब्लू ढक्कन है, क्या फर्क है ये? अरे ये 3 तरह के बेसिकली डस्टबिन है। एक में आप खाने पीने वाला, जैसे जो भी हमारा किचन का सारा गार्बेज रहता है ना वो डालते हैं, एक में रहता है सारा गत्ते गुत्ते का सामान है ना, तो एक में रहता है कांच का सामान। हाँ ये गवर्नमेंट के, इसके हम लोग 150 पर मंथ पे करते हैं, मतलब 15,000 इसका पे करते हैं। हाँ वो ले जाने का वो पे करते हैं, लेकिन ये चीज़ काफी
काफ़ी अच्छी है, मतलब यहाँ पे तो मिक्स नहीं कर सकते, अगर मिक्स करोगे तो उसका आपको फाइन पड़ेगा और वो लेके नहीं जाएंगे, एक बार वार्निंग दे देंगे, लिस्ट लगा के जाएंगे कि आपका ये कूड़ा मिक्स था, मतलब सेग्रीगेट करना है अलग अलग सामान सारा। हर घर के बाहर अलग अलग डस्टबिन है भाई, मतलब देख रहे हो सबके, और इस वाले जो लाइन है ना इनकी सबके घर की आर्किटेक्चर सेम है। ये देखो ये जो खिड़की से दिख रही है ना आपको एरिया बना हुआ है शीशे का, ऐसी उस घर में भी बना हुआ है, ऐसी सामने वाले में भी बना हुआ है, ऐसी इधर भी जितने घर है, गैरेज भी है, गैरेज भी सबका है, पर लोग गाड़ियां भारी खड़ी करते हैं गैरेज में, तो अपना वैसे ही बना लेते हैं, वैसे सामान रख लेते हैं ना अपना घर का। देखो सबकी गाड़ियां बाहर ओपन में ही खड़ी हुई है, और यहाँ पे ये इस वाले एरिया में फ्री पार्किंग है पूरी। हाँ ये सारे कहीं भी लिख रहा है, कहीं भी हमें वो नहीं लग रहा क्योंकि ये काफी फ्री, वरना आप सेंट्रल लंदन वगैरह में जाओगे ज्यादातर एरियाज में पे करना पड़ता है, क्योंकि रात को फ्री होती है। हाँ क्योंकि वो वाले सारे क्राउडेड एरिया ना, वहाँ पे लोग ज्यादातर मतलब शॉप्स वगैरह वो सारी चीजें हैं, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो उसके बाद बताओ फिर यहाँ पे आने का जो कॉलेज था उनको क्या रेगुलर अटेंडेंस चाहिए? हाँ अटेंडेंस मत मिस करना, अगर यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या होगा, फिर वापस भेज देंगे आपको, तो वो अच्छा रहेगा 18 लाख लगा के आप लोग आओगे इतनी दूर, तो यूनिवर्सिटी जाते रहो, 2 ही दिन जाना होता है, 2 या 3 हद। संडे की वजह से ना सारा बाजार बंद पड़ा है। क्या नाम है इस बाजार का? बेक्सली हीथ टाउन सेंटर। हाँ तो देखो आधे ज्यादा दुकानें बंद पड़ी है, बट एक ये कॉफी शॉप खुली हुई है, यहाँ चलते हैं। चलो कॉफ़ी पी लिया जी, कुछ खास मज़ा नहीं आया, स्टारबक्स जाना था, बट स्टारबक्स भी बंद था संडे की वजह से। हाँ। अच्छा अटेंडेंस तो ज़रूरी है लोगों के लिए यहाँ पे, बट बंदा आप बता रहे हो कि हफ्ते में 2-3 दिन ही जाना होता है। हाँ, कॉलेज, तो स्टूडेंट को जॉब करने के लिए कितने घंटे मिलते हैं लीगली गवर्नमेंट की तरफ से? यहाँ 20 घंटे पर वीक, मतलब मंथली आपके 80 घंटे हो गए ना, एक हफ्ते के 20 घंटे कर सकते हो, चाहे वो आप 10-10 घंटे के 2 शिफ्ट कर लो या हर दिन 4-5 घंटे वाले शिफ्ट, जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह वाले जो ये रेस्टोरेंट वगैरह रहते हैं ना, तो 5-5 घंटे की शिफ्ट दे देते हैं। अच्छा। तो मैकडोनल्ड में अगर आपने काम करना है तो वो 5-5 घंटे की शिफ्ट दे देंगे। जो एवरेज आवरली एज है जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है वो कितना है? वेज रेट, एज नहीं वेज, सॉरी, हाँ 1042 है अभी चल रहा जो है वो 1042 है, मतलब 1100 रुपए पर आवर इंडिया के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए 1100। तो अगर महीने के 80 घंटे भी आपको मिल रहे हैं तो आप आराम से जो है वो 80,000 रुपए कमा सकते हो एज अ पार्ट टाइम जॉब लीगली। इसके अलावा कई लोग जो है वो कैश इन हैंड का भी करते हैं, मतलब की ऑफिशियली तो 20 घंटे ही दिखाएंगे की रिकॉर्ड में आपने हफ्ते में काम किया, बट कर रहे आप एक्चुअल में ज्यादा रहे हो, तो आपको जो भी ओनर है वो कैश में पैसे दे देगा। तो वो कितने भी घंटे करो वो डिपेंड करता है, पर अगर पकड़े गए ना अच्छा, ये भी है भैया डिपोर्ट हो जाओगे सीधा इंडिया अगर पकड़े गए तो सीधा भेजेंगे, बट स्टिल कर रहे हैं बहुत लोग, हमारी बस निकल गई, चल कोई लोग कर रहे हैं ना वैसे। हाँ करते हैं लोग, उसमें क्या रोज के लोग 10-10, 11-11 घंटे कर रहे हैं। चलो भाई बस में ही बैठे हम, क्योंकि आते आते तो 40 मिनट पैदल आ गए, बट अब हिम्मत नहीं है पैदल आने की, अब बस में चलेंगे। तो वैसे देखा जाए जो कैश इन हैंड में काम कर रहे हैं वो दिन के बंदे 8-8 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं, यानी कि महीने के 2.5 लाख रुपए, और ये सब है कॉलेज के साथ साथ, मतलब अटेंडेंस पूरी करो और उसके अलावा भी आप आराम से 1.5-2 लाख रुपए तो कमा ही लोगे। पर वो रिस्की वाला मामला है, अगर विदाउट रिस्क करना है तो आप 80,000 रुपए महीना कमा सकते हो। हाँ तो उसमें आपका रेंट निकल जाएगा, आपका ट्रैवल निकल जाएगा, खाने पीने का है ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, जैसे कमाते हो तो अपनी घर भेज सकते हो या थोड़ा बहुत। तो अभी खर्चा एक्चुअल में यहाँ पे कितना होता है स्टूडेंट का वो मैं चल के दिखाता हूँ, एक अपार्टमेंट का टूर भी दूंगा आपको इनका, और साथ में रेंट कितना पड़ता है वो भी बताऊंगा। अच्छा जो रहने का यहाँ पे हिसाब किताब है, जब आप इंडिया से आए तो पहले से ही ढूंढ के आए थे कि कहाँ रहना है, यहाँ पे आके ढूंढा? नहीं नहीं मेरे नॉन में थे एक, मैंने पहले इंडिया से बात की हुई थी, और हमारी जैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी ना, तो फिर हम फ्रेंड्स सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, तो फिर हमने आपस में कनेक्ट कर लिया था, तो उसकी वजह से फिर हमें अकोमोडेशन ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कुछ लोग जो मेरे फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने यहाँ पे देख रखी थी, तो फिर उन्होंने हमारे लिए खुद से अरेंज कर दिया, और वैसे भी आजकल ऐप्स है ना
एक दो एप्स है उसमें आप इजीली ढूंढ सकते हो शेयरिंग वाली, मतलब कि जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनके साथ कोई रूम खाली हो या अपार्टमेंट खाली हो। तो कितने अपार्टमेंट आप बदल चुके हो अभी तक यहाँ पे? ये मेरा तीसरा है। तीसरा, और स्टार्टिंग जो करी थी सबसे सस्ता कितने रुपए में पर रूम लिया था? वो पड़ा था शेयरिंग में 550 का था, मतलब छोटा रूम था लेकिन तब भी वो महंगे हो गए क्योंकि तब कोविड था तो सब लोग घर से थे बैठे, है ना, तो उन्होंने फिर हर चीज का प्राइस बढ़ा दिया था तो ऐसे रेंट भी बड़े हो गए थे। मतलब एक सिंगल रूम आपको अपार्टमेंट में शेयरिंग वॉशरूम और किचन के साथ अराउंड 50 से 55 हजार रूपए पर मंथ पड़ता। हाँ, दो लोगों को पड़ा था। हाँ, पर अभी बढ़ गए। या एक को 50 हजार का? नहीं नहीं, दो लोगों को 50 का था। अच्छा, तो आपने तो 25 दिए ना। अच्छा, 250 पाउंड था। और देखो काफी लोग कहते हैं कि इंडियन करेंसी में क्यों कन्वर्ट करके दिखा रहे हो, यहाँ पे लोग कमाते हैं पाउंड में। तो हम एज अ टूरिस्ट आए हुए और दीदी जो एज अ स्टूडेंट आई है, तो इनकी जो भी पैसे आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, मेरे भी जो आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। तो हम तो भैया अपने इंडिया के हिसाब से कंपेयर करेंगे ना कि सस्ता है या महंगा है। मतलब आप सोचो इंडिया में एक अपार्टमेंट 12-13 हजार रुपए में गुड़गांव में अच्छा रेंट पे मिल जाता है, यहाँ पे वही चीज 50-60 हजार में मिल रही है। तो हम तो उसी हिसाब से कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि हम इंडिया में ही कमा रहे हैं और इंडिया से ला रहे हैं। जब आप यहाँ पे कमाने लग जाओगे तब आपके लिए 50 हजार भी सस्ता ही है, कोई महंगा नहीं पड़ेगा। और वो एक रूम है, अभी तो 50 हजार एक रूम का मिल रहा है ना, तो बेसिकली अभी 50 हजार में एक रूम था जिसमें दो लोग रुके हुए थे, एक किचन तब था। तब अभी 50 हजार में एक ही मिल रहा है। राइट नाउ मैं 50 हजार ही पे कर रही हूँ उस रूम का। आप अकेले हो? हाँ, पर है वो 2 BHK ना। चलो आपको चल के मैं दिखाता हूँ पूरा कैसा है घर के पीछे बना रखा है जिन्होंने, और अंदर से क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है। देखो इस घर में भी रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, तो वही स्किप्स बाहर दे रखा है ताकि सारा कचरा जो है अपना मलबा वलवा वो इसी में डालो। यहाँ के घर ना बने तो पक्के होते हैं लेकिन अंदर के जो रूम होते हैं ना वो पार्टीशन बने होते हैं उसके जिप्सम बोर्ड के, तो ठोस दीवारें नहीं दिखेगी घर के अंदर। आपको ठोकोगे तो वो लकड़ी है वो फील आएगी ना, लकड़ी की दीवारें होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट होती है वो, ट्रांसपेरेंट मतलब आवाज आती है, नहीं दिखेगा हर बार। इस टाइम भाई शाम के 7 बज रहे हैं, अंधेरा तो खैर अभी 9-9:30 होता है, बट ना इतनी चहल पहल नहीं है इंडिया जैसे इन देशों में, है ना। जैसे शाम को इंडिया में क्या 7 बजे बच्चे खेल रहे होते हैं, आंटी अंकल बाहर बैठे होते हैं, सही बात है। यहाँ पे क्या सुनसान भाई, एक दो दुक्का इक्का दुक्का लोग आपको दिखेंगे रोड पे, उसके अलावा सब घर में ही रहते हैं। जबकि सब लोग अपनी दुकानें दुकूने बंद कर देते हैं 5-6 बजे 7 बजे ही, फिर भी बाहर नहीं दिखते। तुम्हें पता भी नहीं तो 7 वाले घर में कौन रहता है। उस दिन वो तेरे सब्सक्राइबर निकले इसीलिए उन्होंने बात किया मुझसे, अदरवाइज कभी हमारी बात कौन रहता है 7 वाले घर में, कौन नहीं। इंडिया में तो देखो ये है कि पूरी गली वाले एक दूसरे को जानते हैं, गली छोड़ो मोहल्ले वाले भी एक दूसरे को जानते हैं। अरे शहर में भी जान पहचान निकल ही जाती है, दुख सुख में ना लोग काम आते हैं यहाँ पे भाई, किसी को किसी से मतलब नहीं। और ये खाली मैं फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा, जो इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ रहती है उनको भी भाई किसी से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी फैमिली के साथ खुश है, काम करते पैसा कमाते खाते हैं और सो जाते हैं। आस पास क्या हो रहा है क्या नहीं किसी को मतलब ही नहीं है चीजों का। तो सिर्फ ये बाहर ले देश उन लोगों के लिए अच्छे है जिनको अपनी लोगों से इधर उधर से कोई लेना देना, जिनको मतलब सोशल लाइफ बेसिकली चाहिए ही नहीं है ना। दोस्त बनाओ तो वो ठीक है, बट वीकेंड पे लोग एंजॉय करते, वो भी अपने घरों में, कम ही बुलाते लोग बाहर ही मिलते। जरा बताना कमेंट सेक्शन में ये जो बात है हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे कि यहाँ पे मतलब आसपास वाले लोग इतना मतलब रखते हैं नहीं, क्योंकि मैंने जितने दिन से नोटिस किया और आप भी इस वाले घर में 1 साल से रह रहे हो ना, तो इनके जो पड़ोसी थे वो ही नहीं जानते थे एक दूसरे को। मैं जब आया यहाँ पे तो वो एक्चुअल में मेरे सब्सक्राइबर निकले तब हमारी बात हुई, उन्होंने अपने घर बुलाया, वरना देख लो 1 साल से साथ वाले ही जो है बात नहीं करते थे। बिल्कुल घर भिड़ा हुआ है, और है भी इंडियन यार, वो भी है इंडियन, गुजराती है, प्रॉपर हिंदी आती सब चीज है ना, लेकिन पता नहीं है, सब अपने में मस्त है भाई, वो ये बात है। ये देख लो भाई घर ऐसे ही होते हैं, रोड पे भी आप पार्किंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी ये घर वालों के ड्राइववे बने हुए हैं, यहाँ पे भी 2-3 गाड़ियां अपने हिसाब से लगा दो, और बाकी ये एरिया खाली छोड़ना पड़ता है थोड़ा सा, देख लो। ये पेडेस्ट्रियन एरिया यहाँ पे नहीं लगा सकते, अगर लगाओगे तो फाइन, वो टिकट लग जाती है आपकी गाड़ी के आगे, अगर आप ऐसा कुछ भी रख दोगे ना तो आपके घर के आगे या गाड़ी के बिल्कुल आगे वो येलो कलर की टिकट लगा देंगे कि हाँ आपने गलत जगह पार्किंग है। ये देखो पार्क, इधर भी इस पार्क के 4 गेट है बेसिकली, बड़ा पार्क है। हाँ काफी बड़ा है। देखो घर किसी का सेल पे होता है ना तो भारी लोग बोर्ड लगा देते अपने नंबर के साथ। अरे यार ये नहीं है, डॉग है ये, देख वार्ड्स फॉर सेल। अच्छा डॉग बेच रहे हैं लोग, कुड यू डॉग बी अवर नेक्स्ट मॉडल, ये देखो ये डॉग के लिए। हाँ। पर लोग घरों के बाहर भी लगाते हैं ना कि जिन्हें घर बेचना हो तो अपना बोर्ड लगा देते हैं फॉर सेल का। हाँ ऐसे ही लगाते हैं ये लोग। अच्छा बाकी जैसे आपका वाला एरिया है यहाँ पे इंडियंस कम ही है तो कम है, मंदिर मंदिर होते हैं यहाँ पे आसपास? मंदिर है थोड़ा, जैसे कितना 2-3 माइल में वो प्लमस्टर्ड में एक मंदिर, प्लमस्टर्ड में 2 मंदिर है, मंदिर है, गुरुद्वारा भी है पास
पास में, मतलब वही है, देख सकते हो कम्युनिटी हॉल है क्रिश्चियंस के लिए, चर्च है बेसिकली, तो शादी शुदी भी होती है यहाँ पे, यहाँ पे होते हैं। इंडियंस किसी ने करनी हो शादी तो क्या होता है कुछ ऐसे मतलब फार्म हाउस टाइप का या कुछ, या मंदिरों में ही होती है? नहीं, मंदिरों में इवन इधर भी होती है, जैसे चर्च में अभी ये लोग जन्माष्टमी का प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे चर्च में, हाँ चर्च इनका हॉल है ना अंदर, तो वो लोग अलाउ करते हैं, तो फिर हम किसी भी बेसिकली कोई भी धर्म के लोग हैं ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे भेदभाव नहीं करते यार, मतलब पैसे लेंगे ऑब्वियसली, फ्री में नहीं होता, बट कर सकते हो, कर सकते हैं, हाँ शादियाँ भी सब कुछ हो सकता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। अभी अच्छा, किसी को अपना कुछ सामान निकालना हो ना घर से, भाई घर के बाहर रख दो, बस कोई ना कोई उठा के ले जाएगा जिसको जरूरत होगी, मतलब पैसे वैसे नहीं मिलते यहाँ पे कुछ भी, अपने बाहर रखो और ले जाएंगे। इंडिया में तो क्या कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी वाले को, हाँ लोग ऐसे बेचते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक टेबल भी रखा था और दो किचन के दो बर्तन थे, मैंने वो भी उसके ऊपर ही रख दिए थे, तो अभी आज देखा सुबह तो नहीं गायब थे, मतलब कोई ना कोई ले गए, चाहे वो नशेड़ी ले गए कोई भी है, लेकिन ले गए, तुम्हारे घर के बाहर नहीं दिखेंगे। जैसे बेड है किसी को अपने घर में यूज हो, किसी में जगह हो, तो वो ले जाएगा उठा के, लेके जा सकते, अगर सब्सक्राइबर है कोई तो लेके जा सकते हो। चलो जी होम टूर दिया जाए, यहाँ से जो है एंट्री है घर की, लोग मतलब सेपरेट, मेरे घर की है, हाँ मेरे घर की अलग एंट्री, आपकी अलग, उनकी फ्रंट से मेरे घर की, ठीक है चलो जी। थोड़ा मैसी है यार, अभी काम नहीं हुआ नहीं, ये टाइलों का भी काम अभी हुआ कुछ दिन पहले, इंडिया की तरह हमने भी तारे देखो बांधी हुई है कपड़ों के लिए, इसमें देसी लोग कहीं भी जुगाड़ कर लेते हैं, तो ये बड़ा सा लोन एरिया, झूला वूला लगा हुआ है, अपना कपड़े सुखाओ, यहाँ पे मेरे कपड़े सूख रहे हो रहे, और ये है मेन भाई, पीछे से आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग, कुछ इस तरह का पूरा घर ही बना हुआ है अंदर ही, समझ लो अपार्टमेंट कह लो, घर कह लो, जो मर्जी कह लो। चलो जी, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, वो अलग आना गा दो। तो ये है जी किचन, सबसे पहले तो किचन में दिखा दो, फ्रिज लगा हुआ है, सब कुछ ओनर ने दिया ये सामान? हाँ, ये उनके घर के बीच में एक फ्रिज रहती है, एक ये वॉशिंग मशीन और एक माइक्रोवेव, ये तीन चीजें रहती हैं बिल्कुल, पर ये है ओनर की तरफ से, आपने कुछ नहीं करा है, बर्तन वर्तन ये सब? बर्तन हमारे, सारी चीजें हमारी, और गैस भी यहाँ पे, गैस वैसे सिलेंडर वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, बिल आता है, या बिल आता है या फिर आप एक रिचार्ज का कार्ड मिलता है उसमें पैसे डलवा लो तो वो कैश, लेकिन हमारा तो खैर बिल वाला ही है, ये है गैस ही, इलेक्ट्रिक नहीं है ना? हाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, ये है गैस वाला, बाकी देख लो इतनी अंडरग्राउंड है ये, यहाँ पे गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी क्या हीटर लगे होते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, वो गैस के बीच में ही है, गैस में ही आते हैं ना, जो गैस का बिल आता है ना उसके बीच में ये गैस भी आती है और साथ ही ये, हाँ ये इसमें गर्म पानी में, तो इसका ये लगा हुआ है ना, ये गर्म पानी वाला, अरे भग गई, अच्छा ये हीटर ये, है एक तरह से, हाँ, क्या बोलते हैं, पर ये चलता गैस से है हीटर, हाँ हाँ वो देखो हीटिंग सिस्टम भी है ना, सर्दियों में हम चलाते हैं उधर से, तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या सारा घर गर्म हो जाता है, रेडिएटर बोलते हैं बेसिकली इसको। तो ये बेसिकली 2 BHK अपार्टमेंट या घर कह लो आप, जिसमें एक किचन है यहाँ पे, एक ये बेडरूम है जो अभी लॉक है, इनके जो रूम फ्लैटमेट है लड़की वो रहती है यहाँ पे, और ये बाथरूम टॉयलेट है, ये वॉशरूम है, दिखा दो एक बार, बाथटब वगैरह लगा हुआ है, अरे जज मत करना भाई, मैसी हो, नहीं सही है बाथरूम तो, एक ये रूम भी है बट ये ना छोटा सा रूम है, स्टोर रूम आप कह सकते हो, सारा लगेज भरा हुआ है, बट एक्चुअल में ये भी बेडरूम बन सकता है, हाँ, इतना तो है ये है ना, और इनका जो दीदी का रूम है वो है ये, खोलना, और इसका मैं दे रही हूँ 50,000, नहीं टोटल कितना है इस पूरे घर का? पूरे घर का 1200 pounds है, मतलब 12,000 rupees, 1,20,000 rupees है ना, तो ये दीदी का बेडरूम 11,500 है बेसिकली, इसका रूम थोड़ा बड़ा है ना, अच्छा। तो ये 650 ये देती है और 500 मैं देती हूँ, तो ऑल टुगेदर 1150 हो गया हमारा, क्योंकि थोड़ा सा कम इसलिए भी, वैसे इस घर का अगर तुम सिटी के पास या कहीं पूरे उस लोकेशन पे लो ना जहाँ पे पूरी मार्केट है, सुपर मार्केट या कुछ भी, तो इसी पूरे फ्लैट का कम से कम नहीं तो 1500-1600 मतलब 1,50,000 1.5 lakh से ऊपर ही होगा ना, तो दीदी का वैसे तो जो ऑफिस है ना वो है मेन सेंट्रल लंदन में, बट वो यहाँ पे रहती है 1 घंटा दूर बस से या ट्रेन से ट्रेवल करती है, क्योंकि यहाँ सस्ता है, सेंट्रल लंदन महंगा होगा, महंगा बहुत ज्यादा महंगा है, तो फिर मेरा वही है 25,000 मतलब 250 pounds मेरा ट्रेवल का भी लग जाता है पूरे महीने का, तो मुझे उतना ही पड़ता है, 500 ये लगा लो 75,000 हो गया है ना, और इसमें अपना बिजली का बिल, गैस का बिल, कूड़े का बिल, सब कुछ सारा, हाँ घर में पूरा इस बिल में मेरा, बट यहाँ पे कोई भी मेड नहीं मिलती, जो काम करना है खुद करना है, मतलब खुद मान, जो खाना बनाना है खुद मान। तो आप बाहर से खाते हो, खाना बनाते हो? नहीं नहीं, मैं तो पूरा इंडियन फूड, जब से तू भी आया हम घर का ही बनाते हैं, और बहुत कम ही है ना, तो ये ग्रोसरीज में कितना खर्चा लग जाता है आपका मंथली? यार देखो मैं सच्ची बताऊं तो मैं जब तू पहले नहीं आया था यहाँ पे, तो मैं वीक में 2-3 times गुरुद्वारे चली जाती थी, है ना, पाठ भी किया वहाँ पे, लंगर खाया भी, और साथ ही पैक कर देते थे, तो मेरा ज्यादा ग्रोसरी का इतना खर्चा नहीं, अगर मैं टोटल लगाऊंगी
तो 100 pound की आ जाती है, मतलब खाना हो जाता है, सारा खाना पीना, सब्जियां ले आओ और सब कुछ। हाँ वो आपका, क्योंकि मसाले वगैरह तो तैयार 6-6 महीने निकल जाते एक बार लेके आते हो, तो मेन क्या सब्जियां रह गई, अंडे रह गए या ब्रेड वगैरह। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो 1 lakh rupees में आपका पूरा मंथली किराया, घूमना फिरना सब। हाँ सारे छोटे छोटे अपने खर्चे भी निकालो, जैसे आते ही चूल रहती है ना, आईफोन लेना है जी, ये घड़ी लेनी है जी, लैपटॉप लेना है, राउंड ऑफ में 1000 pounds काफी है ना भाई साहब। अब ये कोई नुकसान हो जाता, अरे नहीं नहीं यार, ये राउंड ऑफ में 1000 pounds काफी है यहाँ पे, है ना। हाँ 1000 में हो जाएगा। और एज अ स्टूडेंट अगर कोई कम में रहना चाहे तो 500-600 pounds में भी कर सकता है। हाँ तुम शेयरिंग में रूम ढूंढ लो ना, वही अगर आपको एक रूम में दो लोग, हाँ एक रूम में दो, तो जब शुरू में आते हो तो यार हर कोई शेयरिंग में रह ही लेता है ना, तो आज के टाइम में शेयरिंग का रूम है वो करीब करीब 650-700 में मिलता है, दो लोगों को शेयर करना पड़ता है, तो वही 350 तक आता है, मतलब हाफ हो गया एक तरह से। हाँ तो अगर आप महीने का 800-900 कमा रहे हो तो उसमें आप इजीली मैनेज कर सकते हो, तो बाकी यार स्किल सीख के आओगे तो यार तो ज्यादा आप ज्यादा कमा तो सकते हो। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपनी भाई मतलब जो पढ़ाई थी वो पूरी कर ली, अब आप एज अ स्टूडेंट काम नहीं कर रहे, एज अ फुल टाइम काम कर रहे हो, मेरा फुल टाइम, तो उसकी डिटेल जानते हैं जी, कितने घंटे कर सकते हैं और कितना कमा सकते हैं। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो अभी चल रही थी मैंने, तो उसके ड्यूरिंग ही मैंने, मतलब पढ़ाई मेरी फरवरी में खत्म हुई है, मेरा वीजा था June 2022 तक, तो उसके बाद मैंने फरवरी में जैसे मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैंने अपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दी, यहाँ पे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होती है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, तो आपको जो गवर्नमेंट है वो 2 साल के लिए आपको वीज़ा देती है यहाँ पे, अपनी जॉब ढूंढो अपने पढ़ाई के रिलेटेड 2 साल देती है आपको। अच्छा। तो उसमें फिर मैंने अपनी मार्च में मैंने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया, जैसे फरवरी 2020 में मेरी फिनिश हुई यूनी, मैंने मार्च में कर दी क्योंकि मेरा प्लान बन रहा था इंडिया जाने के लिए, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस है ना, तो मैं सोच रही थी इंडिया जाती हूँ, तो फिर मैं खैर गई नहीं इंडिया, तो मार्च में मैंने अप्लाई किया था अपना वीज़ा, तो 1 अप्रैल को मेरा आ गया था, 1 अप्रैल 2022 को मेरा 2 साल का वीज़ा आ गया था, जो कि नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2024 को ख़त्म हो रहा था, उससे पहले मेरा चल रहा है ना, तो मैं स्पॉन्सरशिप मुझे मिल गई है, तो वो मेरा 5 साल वाला वीजा एक्सटेंशन हो जाएगा। तो जॉब लगी कैसे आपकी, क्या जॉब है अभी फिलहाल जो? तो मैंने जॉब की थी इंडिया से, जब आओ ना यार आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब इंडिया से आपने आना है तो उसमें क्या है कि इंडिया से आते आते ना एक चीज़ बनवा के लेके आना, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पुलिस क्लियरेंस, हाँ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो बना लेना, क्योंकि जब वो बना के लेके आओगे तो यहाँ पे आके ना यार सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा है ना, काफ़ी मिल जाती, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई इवेंट आया रहता है और काफ़ी ऑफिसेज भी है हर जगह, इनको मतलब सिक्योरिटी चाहिए, कहीं सुपर स्टोर लगा लो कहीं भी लगा लो, और उसमें क्या है यार कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसे अच्छे बन जाते हैं, आपकी कैश इन हैंड भी मिल जाता है ना, तो अगर आप अपने रिस्क पे करना चाहते हो तो आपको वो बनवा के लेके आना। तो मैंने अपनी जो फुल टाइम जॉब है वो इसी से शुरू की थी, मैंने एक होटल में रेडिसन ब्लू होटल से मैंने अपनी जॉब शुरू की थी, सिक्योरिटी में ही। हाँ सिक्योरिटी, तो आपने इंडिया से मंगवाया वो क्लियरेंस? फिर वो मैं इंडिया से बनवा लिया था, मैंने दीपू वहीं पे था तो फिर मैंने उसको बोल दिया था, मेरी एक बंदे से बात हो गई थी तो वो बंदा वो काम करवाता था। अच्छा। तो फिर मैंने वो सर्टिफिकेट बनवा लिया था, वो मुझे यहाँ पे उन्होंने पार्सल कर दिया था। तो फिर मैंने जॉब लगी स्टार्टिंग पैकेज, मतलब क्या पैसे थे? तो उन्होंने मुझे मंथली मेरा था, तब मेरा था 30 lakh था यहाँ का, तो 30 lakh, हाँ 30 lakh साल का मेरा 30 lakh, टैक्स टैक्स इंक्लूड था, टैक्स के बाद मुझे करीब करीब कितना आता होगा 23-24 हज़ार, मतलब 23-24 lakh कह लो इंडिया का एक साल का, मतलब महीने पर का मुझे 2 lakh रुपए पकड़ सकते हैं। हाँ इजी इजी। और कितने घंटे का मेरा महीने का? तब शुरू में मेरा महीने का वही 2 lakh समथिंग बन जाता था मेरा। अच्छा, कितने घंटे की काम था, क्या होता था टाइम? मैं वीक में 5 दिन काम करती थी, मेरी 12 घंटे की शिफ्ट रहती थी, समटाइम्स 10 hours की भी। अच्छा। पर मोस्टली मेरी 12 घंटे की शिफ्ट, रोज 12 घंटे, हफ्ते में 5 दिन, दो छुट्टी मेरी है ना, वो दो छुट्टी मैं कभी भी ले सकती थी, मेरे पे डिपेंड करता, मुझे वीकडे में काम है तो मैं उनको बोल देती थी कि वीकडे में मुझे दे दो, अगर वीकेंड पे मुझे कहीं जाना तो मैं वीकेंड पे छुट्टी ले लेती थी। पर ये उनके लिए आपको वाली जॉब एज अ कॉन्ट्रैक्ट थी या फुल टाइम एम्प्लॉय थे आप? नहीं नहीं, मैं उनकी फुल टाइम एम्प्लॉय थी। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट मेरा कोई नहीं था, मेरा फुल टाइम ही था उनके साथ, तो अभी भी मैं उनके साथ रजिस्टर्ड हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ कर सकती हूँ, पर फिलहाल मैं उस कंपनी के साथ अभी काम नहीं कर रही है, फिलहाल मैंने वो रेडिसन ब्लू होटल छोड़ दिया हुआ है अभी। तो अभी आपको 1 साल हो चुका है, तो क्या एक्सपीरियंस वाइज कितना कमा सकता है बंदा 1 साल बाद? 1 साल में यार इजीली तुम कहाँ तक 3-3 lakh से ज़्यादा पहुँच सकते हो इजी। हाँ टैक्स के बाद तुम्हें 3 lakh बच जाता है, नज़र ना लगाना।
तो इन शॉर्ट अगर मैं समरी आपको बताऊं, आप इंडिया में हो, आपके पास 15 से 20 लाख रुपए अगर है आपके पेरेंट्स के पास या आपके पास, लोन लेना चाहो ले लो, स्टूडेंट कर्जे पे मत लेना पैसा, ठीक है। फीस हो पूरी तो आप कोई भी एक मास्टर्स का कोर्स कर सकते हो यूके आके, स्पेशली लंदन के एरिया में, और उसके बाद 18 महीने या एक साल का कोर्स करो अपना, एक डेढ़ साल में आप अच्छी पोजिशन पर पहुंच जाओगे जॉब में, जिससे आप मंथली 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। अगर आपका जैसे लंदन थोड़ा एक्सपेंसिव है शुरू में जब आते हो, तो स्टूडेंट को काम 20 घंटे तो यार आप कहीं भी कर सकते हो, है ना? तो वो सेम है वेज? हाँ, वेज रेट सेम ही है सारे, क्योंकि ये नेशनल वेज रेट है ना, तो इसमें कोई कर नहीं सकता। अगर आप NI पे, नेशनल इंश्योरेंस पे काम कर रहे हो, मतलब टैक्स पे कर रहे हो, तो टैक्स तो कटता नहीं है 20 घंटे का ऑब्वियसली, है ना। तो ट्राई करो कि लंदन से बाहर ही थोड़ा, जैसे बर्मिंगम हो गया, मैनचेस्टर है, लीड्स है, स्कॉटलैंड वाली साइड है, वेल्स में कमाओगे 80,000 ही मंथली, बट खर्चा थोड़ा कम है, वहाँ पे रेंट वगैरह कम है ना, जैसे रूम का तुम पूरा घर ही, बर्मिंगम में अगर आपको पूरा घर रेंट पे लेना है तो ईजिली आपको 600-700 में मिल जाता है, और अगर लंदन में लेना आपको आज के टाइम में तो 1500-1700 से कम नहीं मिलता। हम मैं भी ढूंढ रही हूँ फिलहाल, पूरा घर ही ढूंढ रही हूँ, तो लेकिन अभी हमें, बट वो डिपेंड करता है ना आपको यूनिवर्सिटी कहाँ मिलेगी। अगर बर्मिंगम में मिल गई तो फिर तो बढ़िया है, तो वही कह रहे ना कि यूनिवर्सिटी आप चूज ही वही करो ना, उस साइड में कर लो, थोड़ा सा आपका खर्चा भी बच जाएगा, है ना। इंडिया से आप जो भी सेविंग लेके आते हो तो उसमें भी आप थोड़ा सा काम टाइट करके चल सकते हो, उसमें निकाल सकते हो, मतलब अगर आपका कोई लोन है इंडिया में वो भी आप साथ साथ चुका सकते हो किस्तें उसकी, है ना, 15-20 हज़ार रुपए। तो भाई जी, पूरी वीडियो का मतलब यही था कि आप इंडिया में अगर बेरोजगार हो तो यहाँ पर आके पढ़ाई कंप्लीट करके मंथली 2.5 से 3 लाख रुपए, 3.5-4 लाख रुपए भी कमा सकते हो। अगर आपकी स्किल है, वही बोल रही हो ना कि साथ साथ कोई ना कोई स्किल सीखते रहो, अगर तो आपका प्रोफेशन अच्छा है, जैसे IT में है ना सब लोग, तो अगर आप इंडिया में कोई जॉब कर रहे हो IT की, सोच रहे हो यहाँ पे, अगर आपने वर्क परमिट पे भी आना है, तो इंडिया में अगर जैसे कि कोई भी आपका इसमें से कोई सब्सक्राइबर अगर कोई देख रहा है, कोई IT में है, तो आप किसी ना किसी कंपनी में ट्राई करो, यहाँ पे बहुत सारी, अगर आपका IT में स्किल अच्छा है ना, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी हायर कर लेगी। इवन आप अगर टूरिस्ट भी आते हो ना और यहाँ पे आके कोई कंपनी सर्च करते हो, तो आपको अगर कंपनी बोलती है कि हाँ हम आपको स्पॉन्सर दे रहे हैं, इंडिया वापस जाओ और वहाँ पे वो स्पॉन्सर देंगे और वापस यहाँ पे आ सकते हो ईजिली। और यहाँ पे क्या है यार, सेटल हो जाओ, 5 साल का एक बार लगा लो, है ना, PR ले लो यहाँ, वापिस इंडिया जाना है जा सकते हो, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट है, किसी भी कंट्री इजीली ट्रैवल करो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करते हैं, 5 साल के बाद यहाँ पे PR लेके फिर इंडिया चले जाते हैं, इंडिया में आराम से रहते हैं यार, अच्छी लाइफ है इंडिया में, है ना। तो फिर जहाँ मर्जी घूमो, कुछ भी करो, तो अच्छा है, मतलब ओवरऑल ठीक है, नॉट बैड। पर हाँ यार, फैमिली की याद तो आती है ना, मतलब कुछ पाना है तो खो तो रही है वो ऑब्वियसली, है ना। सब लोग इंडिया में एंजॉय करे, चीजें करे, हम यहाँ पे अकेले बर्तन भी धो, सब कुछ कर सही बात है। बट ये तो, है कि आप अगर 1 लाख रुपए में खर्चा निकाल लेते हो और फुल टाइम एम्प्लॉय हो, 3 लाख रुपए कमा रहे हो मंथली, तो 2 लाख रुपए आप भाई सेविंग कर रहे हो हर महीने, जो इंडिया में करना ना इम्पॉसिबल है 2 लाख रुपए की सेविंग, मतलब वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपए सैलरी मिल जाए, खुला डुला खर्चा भी कर लोगे ना, तब भी 1200 तक भी आपने कर लिया, तब भी यार मतलब 1.5 लाख अगर आपने सेविंग करनी, 1-1.5 लाख तो बचा सकते हो आप, वो आप चाहे अपने पेरेंट्स को भेजो इंडिया में, अपना लोन उतारो या अपनी प्रॉपर्टी के लिए सेविंग कर लिया कर लो। अच्छा, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि थोड़ी सी, थोड़ा सा घूमने फिरने में, लोकल यूके में घूम लो, बाहर की इधर उधर कंट्रियों में बाद में घूमना, पहले थोड़ा पैसा सेव कर लो, ताकि जो इतने इतने पैसे रेंट में जा रहे हैं ना, वो घर को बनाने के लिए सेव कर लो सबसे पहले। जैसे अभी ये पूरा घर आपने ये लेना हो, जैसे ये पूरा घर है, तो ये 4-5 करोड़ का तो होगा। इस एरिया में यार नहीं, 7 करोड़ का कम से कम, क्योंकि ये कॉर्नर पे है ना, और 2 गलियां भी लगती है कि ये है एक उधर। और अगर कोई अपार्टमेंट लेना चाहे 2BHK, यहाँ कितने तक में मिनिमम मिल जाएगा लंदन में? लंदन में आपको 2BHK मिलेगा करीब करीब 3-4 करोड़ का मिलेगा, डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है। यहाँ पे तो लोन भी इजिली मिल जाएगा ना, लोन मिल जाता है। इस टाइम ना इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ गया, एकदम से ही इन्होंने काफी बढ़ा दिया लंदन में इसको, तो मैं भी अभी सोच रही हूँ, देखती हूँ 1-2 साल तक चाहे मैं 1BHK लूँ, लेकिन मुझे ये रेंट देना है, वहाँ मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए आपके पास अगर अपना घर या फ्लैट कुछ भी लेना है, तो मिनिमम आपके पास 50,000 पाउंड, मतलब 50 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो डाउन पेमेंट तो करनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट होगी उसके 25-30 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट करोगे, उसके बाद वो कचहरी के जो हमारे इंडिया में रजिस्ट्री वगैरह के 10 लाख तो यहाँ पे उसी की ही है। फिर आप जाओगे अपने घर में, आपको अपनी चीजें चाहिए, बेड चाहिए, फर्नीचर चाहिए, फ्रिज, TV या जो भी है एसेंशियल चीजें जो है। ये है कि 2-3 साल यहाँ काम करे, सेव करे, डाउन पेमेंट इकट्ठी करे, घर ले अपना खुद का, EMI बंधवाए, रेंट से बचे और सेटल हो सकता है। अगर आप 2BHK ले रहे हो
तो एक रूम में खुद रह लो, एक रूम रेंट पे दे दो, आराम से सही है, उसकी आपकी ईएमआई निकलती रहेगी, क्योंकि वन रूम भी 400-500 पाउंड में तो चढ़ ही जाएगा, 500-600 तक आराम से चढ़ जाएगा अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो। भाई आप मॉर्गेज निकाल दे, यहाँ पे मॉर्गेज बोलते हैं, तो मॉर्गेज भाई आपकी निकलती रहेगी, तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना, क्या बुरा है। तो आई होप मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो एक वीडियो में समेट दी है। कई लोगों के लिए बोरिंग वीडियो होगी, बट एक्चुअल में जो लोग कंसिडर कर रहे हैं आने का, उनके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो मैंने उनके लिए ये व्लॉग बनाया। जो नॉर्मल ट्रैवल व्लॉगिंग देखना चाहते हैं वो अगला व्लॉग देख लेना, उसमें हम घुमाए फिराएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन और भी रह भी गया हमारे दिमाग में ना हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगली वीडियो में आंसर कर देंगे। बाकी धन्यवाद आपका पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इनकी इंस्टा आईडी है क्या है बता दो, चंचल जैस 918 है, और तू भी मेरी स्टोरीज को रिपोस्ट करता हूँ, देख लिया, देख लिया। ओके, बाकी कुछ भी छोटा मोटा क्वेश्चन हो जो कमेंट्स में ना पूछना हो, इनसे डायरेक्ट पूछ लो, पूछ लो इजीली। मैं ऑलमोस्ट काफी लोगों के रिप्लाई करती रहती हूँ, बट फिर भी सॉरी यार अगर किसी को नहीं रिप्लाई कर पा रही है ना, कुछ सब्सक्राइबर भी हैं जो मिलने आए थे ना मेरे थ्रू। चलो ठीक है, चले खाते पीते हैं कुछ, बाय बाय। अच्छा, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे वेदर का क्या सीन है, 2-3 महीने गर्मी पड़ती है, बाकी तो बहुत कड़ाके की ठंडी तो बहुत है। अगर इंडिया से आ रहे हो ना यार, तो मोटे कपड़े जरूर भर भर के लेके आना, चाहे आप गर्मी में भी आ रहे, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो हमें ऑलमोस्ट मैं अपनी जैकेट या कुछ भी कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी भी मौसम बारिश पड़ सकती है, और मेरे बैग में अम्ब्रेला हमेशा रहती है, अम्ब्रेला और सनग्लासेस, और हाँ जैकेट भी, क्योंकि बारिश होगी या कुछ भी है ना, रात को ठंड, जैसे मैं कई बार नाइट शिफ्ट पे जाती हूँ, तो कई बार बाहर ऐसे मन करता है ना, नींद आ रही होती है, बाहर निकल जाओ ठंड हो जाती है। से याद है, सेफ है ये कंट्री लड़कियों के लिए? हाँ, मैं रात को 2-3 बजे भी अकेली आती हूँ, कई बार तुमने देखा ही है, 4-5 मिनट की वॉक है ना हमारे घर से, तो मैं अकेली आती हूँ, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। होता तो है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ वैसे सीन्स होते हैं, स्टैबिंग वगैरह यहाँ पे भी होती है, आपने लोगों ने भी है ना न्यूज वगैरह देखी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में जैसे इतने सीन हो रहे हैं, या फिर आपसे चीजें नोच नोच के भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ईजी है मतलब। और 999 पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, और 3 मिनट में पुलिस, एम्बुलेंस, हर कोई चीज आपके पास जो है, स्पेशल एमरजेंसी जो सर्विसेज है वो मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है, सेफ तो बिल्कुल अच्छी तरह से, मुझे 3 साल से कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है ना। मेरे को, मैंने जितने लोगों से यहाँ बात करी है ना, ये स्टैबिंग मतलब चाकू वाकू मार देने वाले सीन ना, ज्यादातर जो इमिग्रेंट्स है ना, जो बाहर से भाग के आए हुए हैं यहाँ पे लोग, अफ्रीका साइड से, या किसी मतलब किसी को टारगेट नहीं कर रहा मैं, बट जनरली जितनी भी न्यूज आती है ना, ज्यादातर यही आती है कि यहाँ के जो लोकल लोग है ना, वो कभी भी ये चीजें नहीं करते, करते होंगे थोड़े बहुत, बट ज्यादा जो मेजर केसेस है वो बाहर से, दूसरे देश से आए। हाँ वही है यार, जो यहाँ पे भी कई लोग ड्रग्स वगैरह करते हैं ना, तो उनको चीजें नहीं मिलती है ना, तो वो फिर ऐसे ही देखो, अगर आप ऐसी चीजें हाईलाइट करोगे, महंगी चीजें पहनोगे या ज्वेलरी या कुछ भी, अपने आप को सेफ करना तो कवर करके चलो। रात के 3 बजे अगर गोल्ड की चेन लटका के जा रहे हो, तो कहीं भी हो सकता है, फोन वगैरह अपने पॉकेट में रखो, वो हर जगह पे ये चीज लागू होती है, जरूरी नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है यार, फोन चलाते चलाते सीधे जा रहे हो, आपको कुछ भी हो सकता है ना, तो आपके लिए वो चीज सेफ्टी के लिए अच्छी है, तो इन चीजों से बचो। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग ऑलरेडी 5 साल रह चुके हैं, पीआर मिल गया, उन्होंने शादी कर ली, यहाँ पे बच्चे हो गए, तो गवर्नमेंट ना उनको बहुत सारी सहूलतें देती है, जैसे कि बच्चे जो है उनके लिए एजुकेशन जो है वो 16 साल तक या 17 साल तक बिल्कुल फ्री है। हाँ, स्कूल तक बिल्कुल फ्री है, जैसे 10th+2 तक यहाँ पे एजुकेशन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद जब कॉलेज वगैरह जाते हैं, क्योंकि वो पासपोर्ट होल्डर होते हैं, तो उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट से हाफ फीस पे करनी पड़ती है। जैसे हम लोग जो है, अगर 15 लाख मैंने फीस पे की है, उन लोगों को 7.5 लाख वही सेम कोर्स सब चीजें 1 साल की उनको वो फीस जो है उनकी हाफ फीस रहती है। जो पेंटर होते हैं, प्लम्बिंग वाले हैं, कारपेंटर है, मंथली 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। अरे ज्यादा एक ही, जैसे नॉर्मल कॉल के लिए मेरे घर में कोई टैब का या किसी भी चीज का इशू है, तो उसको चेक करने के लिए ये लोग आएंगे ना एक कॉल पे, तो 90 पाउंड उनकी एक, वो इंडियन ही है लोग, सरदार लोग या वैसे अपनी कम्युनिटी के लोग, बेसिकली पंजाबी लोग ज्यादा इस लाइन में, तो वो लोग एक कॉल के इतने, तो अगर फिक्स कर दे इशू, तो फिर तो कम से कम 20-30 हजार एक चीज के, मतलब मंथली खर्चा उनके लिए 1 लाख रुपए ही है, बट वो कमा रहे हैं 4-5 लाख रुपए, तो सीधा सीधा बताओ प्लम्बिंग की जॉब से ही मंथली 4 लाख रुपए सेव कर रहा है बंदा यहाँ, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बिंग हो गया, और इंडिया में अगर वही प्लम्बर है तो मैक्स टू मैक्स 30-40 हजार कमा पाएगा, उसमें भी खर्चे हटा दो तो जेब में कुछ नहीं बचता, यहाँ पे भाई सूखे 4 लाख रुपए सेविंग हो रही है। तो वही ना कुछ स्किल सीख के आओ ना, लड़के भी लड़कियां भी, बस यही है मेन स्किल पे बात करते हैं। अच्छा, तो फिर ये बताओ, जैसे पढ़ाई कंप्लीट होगी, मान लो मैं आऊँ, मेरे को प्लम्बिंग की स्किल है, तो मैं जॉब मतलब काम कैसे पकड़ूंगा, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट अलाउ करती है वो चीज करना? नहीं नहीं, लेकिन जैसे आपकी पढ़ाई चल रही है ना तो आप 20 घंटे तो कर ही सकते हैं। नहीं, पढ़ाई हो गई कंप्लीट, उसके बाद क्या रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है? उसके बाद एक कार्ड बनता है, सीएससीएस का कार्ड बनता है। वो कार्ड आप ऑनलाइन चेक करोगे ना तो उसका एग्जाम रहता है, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। कई लोग आपको सेंटर में भी जाना पड़ता है, तो सेंटर में जाके वो आप एग्जाम दे सकते हो। वो कार्ड क्या है, उस कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने के लिए आपको वो कार्ड दिखाना पड़ता है। तो वो कार्ड अगर आपके पास होगा तो आप इलिजिबल हो उस काम को करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में, चाहे प्लम्बिंग कर रहे हो, चाहे पेंटर हो या इलेक्ट्रिशियन का कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप वो कार्ड आपके पास होना जरूरी है। और अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे भी करवाते हैं, जैसे लेवल के हिसाब से होती है, लेवल 1 लेवल 2। जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले वो अपने अपने लेवल के हिसाब से यहाँ पे भी आके इंडिया से तो सीख के आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके भी वो कोर्स कर लेते हैं, हाँ यहाँ की स्टडी, ताकि वो फिर गवर्नमेंट को, जैसे जॉब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, ऑब्वियसली आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो अपना दिखाते हो ना कि यार मैंने ये चीज़ कर रखी है। तो यहाँ पे भी अगर आप कंपनी में काम करना चाहते हो तो पर्टिकुलरली वो चीज़ दिखाओगे कि मैं इस चीज़ में मैंने ये एक्सपर्ट हूँ, मैं इस चीज़ की मैंने क्वालिफिकेशन ले रखी है। ठीक है, तो मतलब कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हो या अपना खुद का भी काम कर सकते हो? खुद का भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट बनाओ, लोग आपको बुलाएंगे। हाँ, फेसबुक है कितनी, आजकल तो काफ़ी है ना, सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हो। अपने कार्ड बना लो, कहीं भी दे दो, है ना, ट्रेन में जा रहे हो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बिजनेस बन गया आपका। लोग एंड करने लगा था, याद आया कि सच मैकबुक भी तो अनबॉक्स करना है, मतलब आपको दिखाना है। तो ये लिया है हमने भाई M2 वाला 256 GB मैकबुक एयर 8 GB रैम के साथ। दीदी का है ये, मेरा नहीं एक्चुअल में। कितने का पड़ा है अपने को ये? 1149 समथिंग का है। हाँ, मतलब अराउंड 1,20,000 के आसपास है ना। चलो जी करो अनबॉक्सिंग करो। होए, नया मैकबुक खोलने का ना भाई अलग ही लेवल का मजा आता है, भले ही बेस वेरियंट हो चाहे टॉप वेरियंट हो। कौन सा है ये कलर दिखाना? सही लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। स्टारलाइट यार, इन्होंने M2 वाले की तो पूरी शेप ही बदल दी, देखना ऐसे स्क्वायर सा फॉर्म दे दिया है। और कितना मतलब नई चीज की ना अलग ही खुशी होती है, बढ़िया लग रहा है। अभी तक तो आप विंडोज यूज कर रहे थे ना, तो फर्स्ट टाइम मैकबुक। चलो इनका मैं सेटअप करवा देता हूँ और समझा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैकबुक यूज करना ना थोड़ा डिफरेंट होता है अपने विंडोज से। चलो जी करिए शुभ गणेश। देखो खुलते ही ऑन हो जाएगा अगर चार्जिंग होगी तो। नहीं हुआ, चार्जिंग नहीं है, मतलब बटन दबाना ही हुआ। हाँ हो, देखो चार्जिंग नहीं है। लगाओ चार्जिंग पे लगाओ। ये साथ में भाई इसके चार्जर दे रखा है, ये रहा अडैप्टर, और ये यूके का पीस है, इसलिए आगे का जो मतलब वो है प्लग, ये भी यूके के हिसाब से है, ना कि इंडिया वाला। और ये केबल, हाँ ये इसमें लगेगा ना, आप मतलब एक्सटेंड कर सकते हो केबल को बड़ा। चलो चार्ज करते हैं पहले, फिर सेटअप करेंगे। हेलो जी, हेलो, हो गया है ऑन। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, यूके की करते हैं क्योंकि यूके में रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हैं, ये तो बड़ा नॉर्मल सही प्रोसेस है। तो ये फिर अच्छा, मुझे लगा कि यहाँ पे लगाने के लिए कुछ नहीं, ये स्टिकर निकला ना, दीदी गरी कहाँ लगाते हैं, मैंने कहा माथे पे गाल पे कहीं भी लगा लो सही रहता है। बैग वैग पे कई लोग अपने जैसे लैपटॉप कवर पे लगा लेते हैं या कहीं अलमारी में लगा देते हैं, कहीं भी लगा दो। बाकी चलो यार, इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं था। तो कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा, बट फिर भी देख लिया तो लाइक मार देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जी बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।